जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे सीईटी क्या है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सीईटी के जो गठन को जो है मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे स्टेट और पूरे भारत लेवल पर अब अलग अलग एग्ज़ामें नहीं होगी। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि पहले एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी या फिर जो डिफेंस है सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ामें जो है होती थी, लेकिन अब यहाँ भारत सरकार ने नया कानून लाया है सीईटी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर पूरे भारत लेवल पर सिर्फ एक एग्ज़ाम होगी सभी जो भी गवर्नमेंट नौकरी है उसके लिए। तो यहाँ पर इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसको पूरा डिटेल्स में हिंदी में जानेंगे क्या है सीईटी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सीईटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इसका गठन यहाँ पर देखेंगे कि कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर जो सीईटी के अंतर्गत जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का जो गठन किया जाना है उससे नई भर्तियों पर क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा और कितना कंपटीशन आगे देखने को मिल सकता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा, ठीक है, सीईटी आयोजित करने के लिए जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी कि सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वतंत्र भारत के बड़े ऐतिहासिक सुधारों में से बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो है सीईटी आयोजित होने के लिए जो है यहाँ पर एक एजेंसी का गठन किया गया है जो कि पूरे भारत लेवल पर सिर्फ एक एग्ज़ाम कराएगा प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब वहाँ पर उसे भी जो है अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। तो क्या है यहाँ पर पूरी जानकारी देखेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इसे अहम फैसला बताते हुए कहा कि एजेंसी के गठन से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। सीईटी के जरिए अब कई तरह की टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलने वाला है। अब यहाँ पर आगे उन्होंने बोला है कि बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है संवाददाताओं को बताया कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को दूसरे स्थानों पर जो है जाना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे की जो है टेंडर जिस प्रकार से दिए जाते हैं उस टाइप से यहाँ पर जो है अलग अलग भर्तियाँ यहाँ पर जो एजेंसी है वो वर्तमान में है। अब यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि संबंध में परेशानियाँ दूर करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए जो है मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन का जो निर्णय है वो लिया है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया, कहा कि प्रारंभिक में 3 एजेंसियाँ परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएगी। मतलब यहाँ पर एक एजेंसी का गठन किया जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और उसके अंतर्गत 3 जो है एजेंसी आने वाली है, ये इन्होंने कहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग आएंगे। मतलब अभी के वर्तमान के लिए एसएससी, रेलवे और बैंक ये तीनों भर्तियों को जो है ये करवाएगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि इस भर्ती में हासिल स्कोर 3 साल तक मान्य होंगे। मतलब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक बार आपने इसका परीक्षा दे दिया तो इसमें आपका जो स्कोर था वो 3 साल तक आपका मान्य होगा। मतलब 3 साल तक जो कट ऑफ उस भर्ती के लिए जाएगी वो आपके कट ऑफ में जो है आपको 3 साल तक आपके चांस यहाँ पर बन रहेंगे, ठीक है। परीक्षा आयोजित करने के लिए जो है हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये इन्होंने कहा है। अब ये चीज़ें अच्छी है कि हर जो है एग्ज़ाम सेंटर हर ज़िले में बनेगा तो काफ़ी सहूलत होगी एग्ज़ाम देने के लिए। आगे इन्होंने कहा कि कॉमन इंटरेस्टेड सीईटी की में मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह ने कहा सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन स्वतंत्र प्रभाव के ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। इसमें भर्ती, चयन, चुनाव, नौकरी की आसानी भी होगी और विशेष रूप से समाज उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिसे लाभ भी मिलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अंतिम में इन्होंने क्या कहा यहाँ पर देखेंगे कि अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी जिसमें सरकारी नौकरी के लिए चयन के विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा।
ठीक है, जैसे आप रेलवे के लिए NTPC के लिए अलग फॉर्म, आपका ग्रुप डी के लिए अलग एग्ज़ाम, ठीक है, SSC CUPO इस टाइप के लिए अलग अलग आपकी एग्ज़ामें होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार के सचिव श्री चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से ज़्यादा भर्ती एजेंसियाँ हैं, अब यहाँ पर सिर्फ 3 भर्ती एजेंसियाँ होगी जो कि एक भर्ती एजेंसी के नीचे काम करेगी। अब यहाँ पर सीधा मैं इसका सारांश आपको बता दूँ, अब यहाँ पर जो है आपका NTPC ग्रुप डी की अलग एग्ज़ाम, रेलवे SSC की अलग एग्ज़ाम नहीं होगी, आपकी एक एग्ज़ाम होगी। अब उस एग्जाम के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी वहां पर निकलेगी अलग अलग विभागों में, जैसे SSC में निकली 10 वैकेंसी, रेलवे में निकली 20 वैकेंसी, तो वहां पर उनके फिर कट ऑफ जो है, आपने पहली प्रेफरेंस क्या चुना था, रेलवे या फिर SSC, तो उस कट ऑफ के अंतर्गत अगर आप आते हो तो आप उस भर्ती में आपको जो है वहां पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये है आपका CET नेशनल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यहां पर जो है आपका राष्ट्रीय जो भर्ती एजेंसी इसका भी गठन किया गया है। तो ये थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।